यस बेटा, हमारा चैप्टर टू कंप्लीट हो गया था, आज हम चैप्टर टू की एक्सरसाइज बुक में फिल करेंगे। आप सबको बुक में एक्सरसाइज फिल करनी है बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट। द लेडी इज 14/10/2020। चैप्टर टू, बुक एक्सरसाइज ए बी एंड सी। आपको बेटा बुक में फिल करनी है। बुक में आपको यहाँ डेट मेंशन करनी है। देखिए, आपको यहाँ डेट मेंशन करनी है 14/10/2020 और फिर फिल करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज है ए एक्सरसाइज एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, यस, इज अ फीचर व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन अ डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। कौन सा फीचर है जो मेन डॉक्यूमेंट से डाटा को कंबाइन करता है बेटा? ऑप्शन ए मेल मर्ज, ऑप्शन बी डाटा सोर्स मर्ज एंड ऑप्शन सी मेलिंग। तो इसमें किस ऑप्शन पे आएगा ठीक बेटा? ऑप्शन ए पर, मेल मर्ज। सेकंड, ब्लैंक कंटेन मेलिंग लिस्ट। कौन करता है कंटेन मेलिंग लिस्ट को? ऑप्शन ए डाटा सोर्स। नंबर थर्ड, ब्लैंक इंक्लूड द टेक्स्ट व्हिच हैज टू बी सेंड टू ऑल द रिसिप्ट। इसमें भी क्या है बेटा? ऑप्शन ए मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट, सॉरी मेन डॉक्यूमेंट। नंबर फोर, ब्लैंक इज अ डाटा आइटम दैट टेल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर द डाटा सोर्स इंफॉर्मेशन हैज बी इंसर्टेड इन द मेन डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी। मर्ज फील्ड, सॉरी मर्ज फील्ड। ऑप्शन सी पर आएगा बेटा के, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी है बेटा आपकी फिलअप। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ब्लैंक की हैज टू मूव विद इन फील्ड व्हेन टाइपिंग डाटा। कौन सी की है जो टाइपिंग डाटा को टाइप करने के बाद नेक्स्ट फील्ड में लेती जाती है बेटा? टैब। फर्स्ट में आएगा टैब। नंबर सेकेंड, ब्लैंक मार्क इंडिकेट दैट अ रिकॉर्ड इज सेलेक्टेड। तो यहाँ पर क्या आएगा? डैश मार्क, डैश मार्क, डी ए एस, डैश मार्क। नंबर थर्ड, ब्लैंक कंटेन्स मेलिंग लिस्ट। देखिए एमसीक्यूज में भी था क्वेश्चन, तो इसमें आंसर आएगा डेटा सोर्स, डी ए टी ए डेटा सोर्स। नंबर फोर, यस बेटा आप फिल करते जाइए। नंबर फोर, द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल अलोंग विद द फील्ड नेम। फील्ड नेम से ही तो सेव होती है अपने टेबल में, फील्ड और नेम आपको दिया हुआ है आगे। नंबर फाइव में यहाँ राइट कर रहे बेटा, यस, यू कैन इंश्योर दैट एमएस वर्ड हैज टेकन द डाटा सोर्स एज पर द मर्ज फील्ड बाय ब्लैंक इज ऑन द स्क्रीन। तो इसमें क्या है बेटा? व्यूइंग, वी आई ई डब्ल्यू आई एन जी, व्यूइंग। ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज सी अपनी ट्रू फॉल्स की। नंबर फर्स्ट, यस, मेन मर्ज इंक्रीज द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायरमेंट। मेन मर्ज इंक्रीज करता है टाइम और एफर्ट को? नो, ये तो क्या करता है? डिक्रीज, यानी जो हमारा इतना सारा टाइम पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करने में लगना था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, यानी कम हो गया। अब एक बार में बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो क्या आएगा इधर? फॉल्स, डिक्रीज किया।
Number 17, merge field is a feature that combines main document with the receipt list. जो merge field है, वो main document को receipt के साथ attach करता बेटा. इसमें आएगा true. Number 3, data source has the content which is to be sent to our address. Database सारे address जो भी हमने दिए हैं उसको सब पर send करता है बेटा. Number 4, the two main documents that are required during a main merge are the main documents and merge field. Two main documents को merge करता है? No. Fields को merge करता है. तो इधर आएगा false. Number 5, merge field is the feature which is used for combining a receipt list with main document. True. देखियो मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ रिसिप्ट को कंबाइन करके नोट टू डॉक्यूमेंट्स को. ओके यस बेटा, आप इसे फिल करिए अपनी बुक में. आपको बेटा बस बुक में ही फिल करनी है, नोटबुक में मैं अपने आप करवाऊंगी आपको एक्सरसाइज. ओके बेटा, थैंक यू.